हेलो दोस्तों, मैं विपिन अपनी यूट्यूब चैनल हाइटेड विपिन में आपका आज फिर से स्वागत करता हूं। आज की डेट में मैं लेकर आ रहा हूं कि डिफेक्टिव रेगुलेटर, जो हमारे खराब रेगुलेटर होते हैं, जो खराब हो जाते हैं, उसको प्लांट कैसे भेज को कैसे वापस भेजते हैं। देखिए, हम सभी एजेंसियों पे हमारे सभी एजेंसियों पे जो एजेंसी वितरक हैं, उनके पास ये समस्या आती है कि उनके यहाँ रेगुलेटर खराब होकर बाद में वापस आता है। तो आज हम इसी रेगुलेटर के बारे में बताने आए हैं कि ये प्लांट को कैसे डिफेक्टिव रेगुलेटर वापस आएगा। इस एक टूटा होना नहीं चाहिए, ये चीज ना टूटा हो ना फाइबर टूटा हो, तभी आपका प्लांट वापस जाएगा। इसी तरह से हम बताने आ रहे हैं कैसे वापस जाएगा। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है sales.spcl.co.in पे। आपका सेल्स पोर्टल का ऐसा आपका इंटरफेस खुलेगा, उसमें आपको क्या करना है, डीपीआर पे क्लिक करना है। डीपीआर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप डीपीआर पे क्लिक करेंगे, दो बार क्लिक करना पड़ेगा डीपीआर पे। तो आप दो बार क्लिक करने के बाद आपके देखेंगे तो बगल में ये साइट खुलेगी, मीनू करके, देखिए ऐसे खुल के आएगी। फिर आपका ऊपर एजेंसी का नाम शो होगा, उसके बाद यहाँ पर आएगा डीपीआर राइज रिक्वेस्ट माई रिक्वेस्ट। जैसे आपको नया रिक्वेस्ट भेजना है, राइज रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए टेक्निकल दिक्कत के कारण बंद हो गया है। देखिए फिर आप राइज रिक्वेस्ट जैसे क्लिक करेंगे, राइज रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद आप रिक्वेस्ट फॉर प्लांट, आपको किस प्लांट में भेजना है, जैसे आपको जिस प्लांट में आपका जहाँ से लोड आता है उस प्लांट को सिलेक्ट करना है। मान लीजिए उन्नाव से आता है तो उन्नाव सिलेक्ट करना है, उन्नाव एलपीजी सिलेक्ट करेंगे। फिर आपके पास ऐसे इंटरफेस खुल के आएगा। फिर आपको यहाँ से एक बार में 25 का रिक्वेस्ट जाना है, क्लिक क्लिक करके ऐसे आप जैसे करते जाएंगे नीचे सीरियल नंबर बढ़ता जाएगा। यहाँ पर रेगुलेटर सीरियल नंबर डालना होता है, जो इधर होता है रेगुलेटर सीरियल नंबर ये है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा सीएमएल बेस नंबर, बैच नंबर यहाँ होता है, देखिए वहां पर भी दिखाया गया है, बैच नंबर आपको डालना है। लाइसेंस नंबर दिखाना है, डिफेक्टिव आपको चॉइस करना है, लीकेज है एनी टाइप लीकेज, जहाँ रेगुलेटर सीरियल नंबर में आपको सीरियल नंबर डाल देना है। यहाँ आपको कंज्यूमर नंबर डालना है, कंज्यूमर नंबर में जैसे जो नाम रहता है वो नाम डाल दीजिएगा, कॉन्टेक्ट नंबर डाल दीजिएगा। आपको ये हम अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालना है, जैसे आप लोगों को कभी दिक्कत आए तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात हो जाएगी। रिमार्क में आपको लीकेज लिख देना है, बस उसके बाद ऐसे आपको जी सारे ऐसे 25 एक बार में 25 का बंडल बना लेना, सेव ऐसे आपको सेव करके सबमिट करना। पहले सेव करेंगे, जब फिर 25 हो जाएगा तब सबमिट आप कर दीजिएगा। उसके आपके बाद ऐसे बन के आ जाएगा ये, जैसे रिसिप्ट टू एट प्लांट स्टेटस है, आप सबमिट, आपने जैसे आपको सबमिट किया, अब इसको सबमिट करने के बाद ऐसे आपको एक डिटेल निकलेगी, यहाँ से आपको प्रिंट करके ये प्रिंट कर लें। जैसे आप इसको यहाँ डालेंगे फिर आपके पास ऐसे सामने आ जाएगा, ऐसे आपको इसको प्रिंट करना होगा। यहाँ से ऐसे आप प्रिंट कर लीजिएगा, तीन पेज आपको प्रिंट करना है, तीन पेज प्रिंट, एक पेज आप रेगुलेटर वाले गत्ते में डाल दीजिए, एक पेज अपने पास रख लीजिए, एक बार जो गाड़ी की ट्रक के साथ जाएगा उस ड्राइवर को दे दीजिएगा। ये तीन पेज आपको प्रिंट करने हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है आगे के प्रोसेस बता, आपको CDCMS लॉगिन करना, CDCMS डीलर एप्लीकेशन लॉगिन करना है। CDCMS पोर्टल अपना लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है, कंज्यूमर मैनेजमेंट में। कंज्यूमर मैनेजमेंट में आप जाएंगे तो वहां पर आपको रेगुलेटर रिप्लेसमेंट दिखेगा, रेगुलेटर रिप्लेसमेंट पे आपको क्लिक, जब कंज्यूमर रेगुलेटर लेकर आता है डिफेक्टिव तब वही दिखाते चले जाना है। उसके बाद इसको ऐसे आपको सेव करना है, नया रेगुलेटर नंबर उनको जो दे रहे हैं उसका डिटेल भर के इसको सेव कर देना है। ये आपका जब आप रेगुलेटर आपके पास आता है कंज्यूमर लेकर तभी ये काम कर लेना है, ठीक है। उसके बाद डीपीआर वाला काम आपको करते रहना, जब आप प्लांट को भेजेंगे तब वो आप करेंगे, ये लेकिन पहला स्टेप है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जब कोई ट्रक जा रही हो उसी ट्रक के साथ तो आप भेजते हैं, तो यहाँ पर इनवाइस नंबर डिलीवरी चालान बनाते टाइम डिलीवरी चालान में जाना है, इसे आपको एक दिखेगा। उसके बाद आपको नया ऐड रो कर लेना है, ऐड रो करने के बाद आपको ट्रक नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ सेलेक्ट करना होता है, वहाँ 047 रेगुलेटर सेलेक्ट करेंगे, इम्पिटी की जगह इफेक्टिव करेंगे। आप जैसे जितनी क्वांटिटी भेज रहे हैं 25 क्वांटिटी 25 डालेंगे। उसके बाद यहाँ लास्ट में डिलीवर लोड, यहाँ पर ट्रांसपोर्टर में नेम में इसमें आपको डालना है, ट्रांसपोर्टर नेम में आपको डाल,
आपको जैसे डिफेक्टिव रेगुलेटर डिलीवरी चालान बनाना है, डिलीवरी चालान बनाने के टाइम यहाँ पर आपका रेगुलेटर जो आया रहेगा इनवॉइस नंबर आएंगे, ऊपर एक्सेल नंबर पहले ही रहता है, कोड भी रहता है, उसके बाद आप जो 14 KG भेज रहे हैं, 14 KG 19 KG उसी के साथ इसको भी भेजेंगे ऐड हो करके, तभी आपके सिस्टम से घटेगा। यहाँ जब आप डालेंगे उसके बाद यहाँ उसके बाद यह डाल देंगे रेगुलेटर कोड डालेंगे, उसके बाद डिफेक्टिव डालेंगे, यहाँ जितना जा रहा है वो डालेंगे, फिर डिलीवर लोड के जगह लिखेंगे ट्रांसपोर्टर नाम, ऊपर जो दिख रहा होगा वही आपको ट्रांसपोर्टर नेम लिखा है। उसके बाद यहाँ रिमार्क में आपको उसका नाम डालना है, रिमार्क में लीकेज लिख देना है, डिफेक्टिव लिख देना है। ये आपका प्रोसेस सबमिट करने के बाद आप डिलीवरी चालान प्रिंट करके ड्राइवर को दे दीजिए, लेकर चला जाएगा। उसके बाद जब उधर से प्लांट से आता है तो उसमें आपको क्या करना होगा, प्लांट से जब आपको दोबारा वापस आएगा तो आइटम रिसीप्ट में उसको जाके रिसीव कर लेना है, यहाँ आइटम रिसीव हो उसको जाके रिसीव कर लेना है। तो आपके पास जितना आपका गया रहेगा तो अगली बार जब आ जाएगा तो आपके पास उतना स्टॉक में आ जाएगा। ये होता है पूरा प्रोसेस डिफेक्टिव रेगुलेटर को प्लांट को भेजने को, जब आया रहेगा तो यहाँ पर दिखेगा, उसके बाद रिसीव कर लीजिए। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे हम आपको और वीडियो दे पाए। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा मन नहीं करेगा वीडियो बनाने का, इसलिए आप लाइक जितना लाइक करेंगे जितना शेयर करेंगे उतना हम आपके लिए नए नए टॉपिक में वीडियो लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, भूलिएगा मत हाईटेज बिपिन सर को सब्सक्राइब करना।